और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि महिपाल मेघवाल के परिवार को मेरा भाई खत्म हो गया। सामने देखो, इधर देखो, और इसको कोर्ट मारा है, उनको तड़क उठा है, इनको धोखा मारा आज हम सब लोग महिपाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कल हमारा नंबर आएगा। न्याय चाहिए, न्याय लेके उठाऊंगा, मरांगा और मारांगा। पानी होने चाहे तो माने न्याय चाहिए, मैं तो तड़का को न तड़का रही है ना, वो न्याय लेके जाऊंगा, बराबर में खेतों की जेल होनी चाहिए और नहीं महाराज की बराबर घास होनी चाहिए तो ही माने शांति मिलेगी, नहीं को नहीं मिलेगी। न्याय मिली के आज मेरा क्या हमने मार के गेर दियो, न्याय मिली? हाँ कौन मार के गेरे हो, कोई न्याय कौन मिली? अब क्यों आप छोटी चार कहा जिस मिली? मैं समस्त केतड़ी वासियों से महिपाल मेघवाल जो हत्या हुई है, आज एक गरीब को, एक निर्दोष भाई को गुंडे और असामाजिक तत्वों ने मारा है। आज हम सब लोग महिपाल मेघवाल को न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे तो कल हमारा नंबर आने वाला है। भाइयों, हमारे अंदर यही एक बात है कि कोई मर गया होगा, लेकिन मैं आपको निश्चित बताना चाहता हूँ कि हमारी इस भावना का ही गुंडे मवाली असामाजिक तत्व फायदा उठाते हैं और उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि महिपाल मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए 26 तारीख को 9 बजे हमारे खेतड़ी के अस्पताल, अजीत अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन जो हो रहा है उसके ऊपर उपस्थिति दे के और इसे सफल बनाएं और ऐसा सफल बनाएं जिससे आने वाले समय में जो बदमाश हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं और एक असहाय और गरीब व्यक्ति को मारते हुए जरा सा भी नीचे दिखते, उन लोगों को हमेशा के लिए एहसास हो जाए कि खेतड़ी का जनमानस जाग गया है, अब आगे गुंडागर्दी सहन नहीं होगी। आप सब लोगों की उपस्थिति आवश्यक है और मुझे विश्वास है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पधारेंगे। और हमारे व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि एक गरीब आदमी के साथ में जो हुआ, गरीब परिवार के साथ में हुआ, दोस्तों मेरे भाइयों, ये कल को हमारे साथ भी हो सकता है। महिपाल मेघवाल के प्राण नहीं गए, हमारे लिए एक ऐसी चुनौती आ गई है कि खेतड़ी के अंदर गुंडागर्दी और यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। यहाँ हमारे भाई महिपाल मेघवाल को मारने वालों को सजा दिलाने के लिए हम सब लोग कल खेतड़ी को, संपूर्ण खेतड़ी बाजार को बंद करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहते हैं। आप सब लोग हमारे साथ होंगे ऐसी हमारी आशा है और सभी सामाजिक संगठनों से भी मैं विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग बड़ी संख्या में यहां पहुंच के अजीत अस्पताल पे और इस धरना प्रदर्शन को और महिपाल मेघवाल के परिवार को न्याय दिलाने वाले इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को सफल बनाएं और यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत खेतड़ी की जनता न्याय के लिए यहां बैठी है, मनोज घुमरिया जी के साथ हजारों की तादाद में जो आदमी आज बैठे हैं आके, और उनके साथ साथ महिला टीम और महिलाएं कल हजारों की टीम, हजारों की संख्या में यहां पे धरना प्रदर्शन करेंगी। महिपाल मेघवाल की हत्या सिर्फ महिपाल मेघवाल की हत्या नहीं है, खेतड़ी में विश्वास की हत्या है। यहाँ खेतड़ी के वोटरों ने जो विश्वास करके और डॉक्टर साहब को जो सत्ता में ला के बैठाया, उनके जो जनता है उनके विश्वास की हत्या है ये, इसका हमें न्याय चाहिए। यहाँ से हम तभी उठेंगे जब मेघवाल को न्याय मिलेगा। और इसके अलावा मैडम आपको कुछ कहना चाह रही हूँ? नहीं, दशहरा पर में भी है ना मेघवाल का है ना घर ने मार के काम गिर दो, कोई भी न्याय कौन मिली? आज मेरे देवर ने मार के गिर दियो, कोई न्याय तो माने न्याय चाहिए, न्याय लेके उठांगा, मरांगा और मारांगा।
बोला मेरा भाई खत्म हो गया। सामने देखो, इधर देखो, बोले इसको कोर्ट मारा है, बोले को सारा को उठाया दी जाए, मेरे को धोखाधड़ी से मारा गया। मेरा इस साइड मुंडो करवाड़ी में कल मेरे साथ ही इनके आए बाजे के जाने में मेरे पर सर पे मेरे पर सर बचा और मेरे को तुम्हें बोला यार वो बोलो भाई मीडिया नोट करे।